हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एलएस रेसिपीज वंश होम बेस्ड प्रोडक्ट्स। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो मार्केट में वंश होम बेस्ड प्रोडक्ट्स का सामान मिलता है वह हमारी कंपनी है, आप प्लीज ट्राई कीजिएगा। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि कमल ककड़ी, इसको कमल डंडी की भी सब्जी बोलते हैं, कि किस तरीके से बनाते हैं। इसको बनाने के लिए क्या क्या सामान की जरूरत पड़ेगी आप नोट डाउन कर लीजिए। आपको जरूरत पड़ेगी कमल ककड़ी, आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, अमचूरन पाउडर, सूखी लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, हींग पाउडर, जीरा पाउडर, तेल, हरा धनिया, हल्दी पाउडर, नमक। दोस्तों, मैं आज ये सब्जी बनाने के लिए मार्केट आया हूँ और यहाँ से मैं फ्रेश कमल डंडी की सब्जी खरीदूंगा। और इसको खरीदने से पहले आप ध्यान देना कि दोनों एंड से कमल डंडी की जो है वो क्लोज होना चाहिए। अगर खुला रहता है तो वहाँ पे क्या रहता है, ये पानी के अंदर होता है तो थोड़ा सा उसमें सफाई करने में दिक्कत होती है। अगर आपको इस तरीके से कमल डंडी मिल जाए कि दोनों उसकी एंड अगर बंद है तो वो ज्यादा अच्छा होता है। दोस्तों, इसको अच्छे से धो लेना और इसका ऊपर से पतला पतला छिलका उतार देना, और इसको जिस तरीके से मैंने वीडियो में बताया आप उसी तरीके से कमल डंडी को काटना। हम इसमें आलू भी यूज कर रहे हैं, तो हम अगर आलू डालेंगे तो आप देख लीजिए आलू को आप इस तरीके से काटना, क्योंकि कोई भी रेसिपी बनाने से पहले हमको अगर उसके प्रॉपर ढंग से कट करेंगे तो वो रेसिपी बहुत ही खूबसूरत दिखती है बनने के बाद। दोस्तों, सबसे पहले आप प्रेशर कुकर में कमल डंडी को कट करके डालना और इसमें पानी और थोड़ा सा नमक डाल देना और इसको दो तीन प्रेशर दिला देना। उसके बाद प्रेशर कुकर को नीचे उतार लेना और उसमें आलू यूज कर रहे हैं तो कटे हुए आलू डाल देना और उसको कम से कम दो तीन प्रेशर दिला देना, तो आपका कमल डंडी भी उबल जाएगी और आपका आलू भी उबल जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले स्टेप में आप क्या करना, पैन में तेल को अच्छे से गरम करना और उसमें हींग पाउडर डाल देना। उसके बाद उसमें जीरा पाउडर डालना और आपके जो कटे हुए हैं उसको मिक्स कर देना और अच्छे से भूंजना यहाँ पे लहसुन को। उसके बाद क्या करना, आप इसमें जो कटे हुए प्याज हैं वो डाल देना और उसको बहुत अच्छे से भूंजना आप। उसके बाद इसमें कटा हुआ अदरक डाल देना और उसको अच्छे से मिक्स करना और उसको बहुत अच्छे से भूंजना आप। उसके बाद जो हमारी सूखी लाल मिर्च लिए हुए कट उसको इसमें डाल देना काट के और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना आप। फिर उसमें हम सूखा धनिया डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देखिए वीडियो में मैं किस तरीके से इसको अच्छे से मिक्स कर रहा हूं। उसके बाद आप इसमें लाल मिर्च पाउडर डालना और उसको अच्छे से मिक्स करना। और उसके बाद आप इसमें नमक डालना और उसको भी बहुत अच्छे से मिक्स करना। फिर आप इसमें क्या करना, गरम मसाला पाउडर डालना और इसको पूरे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करके अच्छे से भूंजना। और उसके बाद जो हमारी उबली हुई कमल डंडी है, कमल ककड़ी है, वो आप इसमें डाल देना और इसको अच्छे से मिक्स करना। ये देखिए मैं किस तरीके से मिक्स कर रहा हूं। उसके बाद आप इसमें उबले हुए आलू डालना और उसको बहुत अच्छे से मिक्स करना और देखना कि पूरे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं कमल डंडी और आलू के साथ। उसके बाद इसमें आप क्या करना, अमचूरन पाउडर डालना और उसको अच्छे से मिक्स करना। ये देखिए मैं किस तरीके से इसको अच्छे से मिक्स कर रहा हूँ।
और आखिरी में इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालना, है बहुत ही अच्छा कलर देती है। और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना और पकने देना। यहाँ पे दो चीजों को आप चीज को ध्यान रखना कि आप जितना अच्छा मसालों को भूंजेंगे और आप सब्जी मिक्स करने के बाद उसको कितने अच्छे से पकाते हैं तो आपका सब्जी बहुत अच्छी बनती है। ये देखिए कमल डंडी की सब्जी तैयार है, दिखने में कितना सुंदर कलर आया है। इसके बाद आप क्या करना है, इसको एक बाउल में कन्वर्ट कर लेना और उसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल देना। दोस्तों अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू कैन गेट माई लेटेस्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।